नमस्कार, सुमास किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बना लेते हैं मूंगफली, कच्चे नारियल और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट का लड्डू, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। यहाँ पर मैं 500 ग्राम जैसा मूंगफली को भून रही हूँ। मूंगफली मैं थोड़ा ज़्यादा भून रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा लड्डू बनाने में ले लूँगी और बाकी सब मैं रख दूँगी उसको ऐसे सूखे खाने के लिए। तो यहाँ पर मैं मूँगफली जो है भून चुका है। अब मैं नारियल को तोड़ लूँगी। जैसे कोई भारी चीज़ से आप तोड़ने से नारियल टूट जाएगा। उसके बाद इसका सारा पानी निकाल दूँगी और नारियल को मैं दो हिस्सों में कर दूँगी। तो देखिए, अब मैं एक चाकू से नारियल को निकाल लूँगी। नारियल निकालते वक्त बहुत सावधानी से निकालना है क्योंकि जो चाकू है कभी कभी हाथ में लग भी जाता है। तो ऐसे करके मैं सारे नारियल को निकाल लूँगी और निकालने के बाद देखिए सारा नारियल जो है निकल गया है। अब मैं इसको जो छिलका है, छिलका को मैं चाकू से मैं निकाल लूँगी। देखिए ऐसे करके इसका नारियल का ऐसे छिलका निकालने से आसानी से निकल जाता है। तो ऐसे करके मैं सारे नारियल का छिलका निकाल लूँगी। ये लड्डू जो है वो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बच्चे लोग को भी बहुत पसंद आता है खाने में। तो ऐसे बना कर रख देने से वो लोग रोटी के साथ भी ऐसे खा लेते हैं, ऐसे भी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर वैसे कि मैं सारे नारियल का छिलका निकाल लूँगी। तो यहाँ पर सारा नारियल का छिलका निकाल के और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखी हूँ। देखिए अब मैं इसको मिक्सी के जार में डाल दूँगी और इसको ढक्कन लगा के और इसको थोड़ा मोटा ही पीस लूँगी। इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है। अगर एक दो पीस थोड़ा बड़ा बड़ा रहेगा तभी कोई बात नहीं है, लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। तो यहाँ पर नारियल जो है वो पीस के तैयार हो गया है। देखिए थोड़ा मोटा ही रखी हूँ इसको। अब मैं इसको बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी और यहाँ पर मूंगफली को भून के रखी हूँ। यहाँ पर मैं एक कटोरी मूंगफली का इस्तेमाल कर रही हूँ, बाकी मूंगफली मैं रख दी हूँ। तो इसको ऐसे हाथ से ना मसल के इसका सारा छिलका निकाल लूँगी। तो देखिए आसानी से निकल जाता है और इसका छिलका निकाल के इसको साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं सारा मूंगफली का छिलका निकाल के साफ़ करके ले ली हूँ। अब यहाँ पर मैं काजू लेकर रखी हूँ, ये देख सकते हैं, और 5-6 इलायची और खरबूजे का बीज और आलमंड। अब मैं 2 चम्मच घी पैन में डाल रही हूँ और अब मैं पैन को गर्म होने के बाद इसमें मैं जो काजू आलमंड है उसको थोड़ा सा भून लूँगी। गैस का फ्लेम जो है थोड़ा सा धीमा ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना है, बादाम जल जाएगा। तो इसको ऐसे धीमी आँच पर मैं इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। यहाँ पर देख सकते हैं बादाम और आलमंड जो है भून चुका है। अब मैं इसको निकाल दूँगी और इसी पैन में मैं जो खरबूजे का बीज है उसको ढाल दूँगी। और उसको तो ढालने के साथ साथ ही मैं निकाल लूँगी क्योंकि ये ढालने के वक्त ही चटकने लगा है। तो ऐसे मैं ढाल के थोड़ा सा ऐसे हिला के बस इसको निकाल दी हूँ। तो यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट जो है भून चुका है। अब मैं उसी पैन में नारियल को ढाल दूँगी और नारियल को चला चला के इसको थोड़ा सा भून लूँगी। इसका जो मॉइस्चर है उस सूख जाना चाहिए, इसमें गीला नहीं रहना चाहिए। तो इसको मैं ऐसे चला चला के अच्छा से इसको भून लूँगी। गैस का फ्लेम एकदम धीमा ही रखना है। इसको भूनते समय 3 से 4 मिनट लगेगा। गैस का फ्लेम धीमी करके इसको आप अच्छा से भून लीजिए। नारियल को पूरा अच्छा से सुखा लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं नारियल जो है पूरा सूख चुका है, एक देखने में ही लग रहा है। तब मैं थोड़ा सा इसको और 1-2 मिनट के लिए ऐसे चला चला के और थोड़ा सा इसको ड्राई कर लूँगी। अगर आपके पास सूखा नारियल तो उसको भी आप इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर नारियल को ढाल दे रही हूँ एक अलग सा बर्तन में। और अब मैं एक मिक्सी के जार में जो ड्राई फ्रूट्स भून के रखी हूँ उसको मैं ढाल दूँगी। इसको मैं थोड़ा सा बचा के रख लूँगी क्योंकि बाद में मैं लड्डू बनाते टाइम मैं इसमें ढालूँगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऐसे ही साबुत रख दे रही हूँ, ये देखिए। अब मैं इसमें जो मूंगफली भून के रखी हूँ उसको भी ढाल दूँगी और इसमें जो इलायची रखी हूँ 5-6 इलायची उसको भी ऐसे तोड़ के ढाल दूँगी। इलायची आप बाद में भी कूट के ढाल सकते हैं, मैं इसी में ढाल दे रही हूँ एक ही साथ। और इलायची को ढालने के बाद
इसका ढक्कन लगा के और इसको पीस लूँगी। तो इसको भी थोड़ा मोटा ही रखना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट जो है वो भी भून पीस के तैयार हो गया है। अब मैं उसी पैन में एक कटोरी से कम चीनी ले रही हूँ, देख सकते हैं थोड़ा सा कम है, एक पूरा भर के कटोरी नहीं है। और इसमें मैं आधा कटोरी पानी डाल दूँगी और इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए एक तार का चाशनी बना लूँगी। तो चीनी को अच्छा से मिला लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं चीनी जो है एकदम अच्छा से पानी में मिल चुका है। अब मैं इसको चला चला के और इसको 3-4 मिनट में चाशनी बन के तैयार हो जाएगा। ऐसा लड्डू बनाना भी आसान है और बना कर रख देने से बच्चे लोग को भी पसंद आएगा। और इसको आप आराम से 15 दिन तक इसको रख के खा सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। अगर फ्रिज है तो फ्रिज में रखिए, रख के खाने से ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं चाशनी जो है वो लगभग बन के तैयार ही हो गया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको चेक कर लूँगी। तो देखिए ऐसे हाथ से ऐसे एक तार का चाशनी बन गया है। अब मैं इसमें जो नारियल को भून के रखी हूँ, नारियल को इसमें मिला दूंगी चाशनी में। और नारियल को थोड़ा सा चाशनी में मिलाने के बाद जो ड्राई फ्रूट्स पीस के रखी हूँ उसको भी मिला दूंगी, ये देखिए। और इसको अच्छा से अब मैं चला चला के नारियल और ड्राई फ्रूट को अच्छा से मिला लूँगी चाशनी में। और गैस का फ्लेम जो है वो धीमा ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना है। और यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स मैं ऐसे साबुत रखी थी उसको भी इसमें मैं ढाल दूँगी। थोड़ा सा खड़ा खड़ा रहने से अच्छा लगता है खाने में, मुँह में उसका बाइट आने से अच्छा लगता है। तब मैं इसको ऐसे चला चला के और उसको थोड़ा सा सुखा लूँगी। इसको मिलाने के बाद 1-2 मिनट के लिए मैं गैस पर रखूँगी और उसके बाद इसको उतार के गैस से और इसको ठंडा कर लूँगी। तो इसको लगातार चलाते रहना है, तभी जाके अच्छा से ये थोड़ा सा इसमें बाइंड आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अभी नरम है, तो इसको मैं ऐसे ही चला चला के इसको ठंडा कर लूँगी और ये ठंडा होने के बाद ये सख्त हो जाएगा। तो देखिए ऐसे इसको चलाते रहना है। अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच जैसा घी लेके रखी हूँ हाथ में लगाने के लिए, ऐसे हाथ में ढाल के। तो हाथ में ऐसे लगा लेने से चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पर पूरा ठंडा हो गया है, पहले मैं 2-3 बनाई थी तो बहुत गर्म था, इसलिए मैं रख दी हूँ। थोड़ा ठंडा होने के बाद देखिए आसानी से बन जा रहा है, हाथ में चिपक भी नहीं रहा है। पहले थोड़ा हाथ में चिपकता था, तो यहाँ पर बहुत आसानी से भी बन जा रहा है, बहुत अच्छा से हाथ में चिपक नहीं रहा है। तो ऐसे करके मैं सारे लड्डू को बना लूँगी। देखिए एकदम ठंडा होने के बाद सख्त हो गया है। और इसको थोड़ा समय के लिए फ्रिज में रख दीजिए तो पूरा और सख्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लड्डू जो है सारे बन के तैयार हो गए हैं। ऐसे बनाइए, खाइए, कमेंट करिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और यहाँ पर देख सकते हैं सारे लड्डू जो है बन गए हैं। अभी थोड़ा गर्म है, ठंडा होने के बाद पूरा सख्त हो जाएगा। धन्यवाद।